नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। जब से तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ है, तब से दुनिया की राजनीति में काफी उथल पुथल देखी जा रही है। पाकिस्तान, रूस और चीन जैसे देशों ने तो साफ तौर पर तालिबान के समर्थन में खड़े होने का संकेत भी दे दिया है। वहीं पाकिस्तान तालिबान की गोद में बैठकर कश्मीर का सपना देख रहा है और इस सपने को मुंगेरी लाल के हसीन सपना कहना गलत नहीं होगा। लेकिन भारत का तालिबान को लेकर क्या स्टैंड है, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। ऐसे में तालिबान नेतृत्व के एक सदस्य ने कतर से कहा है कि भारत इस उपमहाद्वीप के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उनका समूह चाहता है कि भारत के साथ अफगानिस्तान के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक संबंध अतीत की तरह बने रहे। वहीं भारत को लेकर तालिबान के इस बयान को भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। तालिबान के दोहा कार्यालय के उप प्रमुख शेख मोहम्मद अब्बास अस्तान केजई की ओर से पश्तो जुबान में जारी किए गए एक वीडियो मैसेज को अपने संगठन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। ये वीडियो अफगानिस्तान के मिल्ली टेलीविजन चैनल पर भी प्रसारित हुआ। तालिबान की ओर से यह संकेत इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का उस पर गहरा असर रहा है। पाकिस्तान ने भारत अफगानिस्तान संबंधों को हमेशा अपने खिलाफ माना है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को काबुल पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद भारत को लेकर तालिबान के किसी सीनियर लीडर की ओर से यह पहला स्पष्ट बयान है जिसमें तफसील से बातें कही गई हैं। तालिबान के इस बयान पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।